हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टम नेट पर। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ डेल का 2-in-1 लैपटॉप 7430। ये हमारे चैनल का फर्स्ट 2-in-1 लैपटॉप है। तो इसका हम लुक देखते हैं, क्या टच फील वगैरह कैसा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें ये चार पांच चीज़ देखने को मिल जाती है। फर्स्ट, पावर केबल और 65 वोल्ट का टाइप सी अडाप्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और ये पैन है, इसकी मैं सारी डिटेल्स आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप को कवर से बाहर निकालते हैं। लैपटॉप के अगर टॉप कवर की बात करें तो आपको मेटल बॉडी में मिलने वाला है और बहुत ही प्रीमियम कलर है, प्लैटिनम सिल्वर कलर के साथ आएगा आपको ये। और बीच में आपको डेल का लोगो देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप का बैक साइड कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इंस्पिरॉन का आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा। लैपटॉप के अगर हिंजेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं लैपटॉप के हिंजेस है। जैसे हम जब लीड ओपन करते हैं तो ऑटोमेट पे थोड़ा सा लैपटॉप ऊपर हो जाता है, जिससे टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और जब इसको हम 360 रोटेट करते हैं तब भी ये आराम इजिली मूव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हिंजेस के हिसाब से लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लैपटॉप का जो लुक है वो बेसिकली जो पुराना जो 7420 था, सेम कलर वगैरह सब कुछ सेम है, बट इसमें आपको डिफरेंट आपको क्या देखने को मिलेगा। फर्स्टली जो इसका टच पैड है पहले वाले से थोड़ा सा अलग है और यूनिक है, तो थोड़ा सा लार्ज भी है। और 7420 में आपको स्पीकर बैक साइड पर देखने को मिलते थे, वही आपको 7430 आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको देखने को मिले, बाकी आगे क्या एक्स्ट्रा फीचर मिलने वाले वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फर्स्ट मोड आप इसको स्टैंड मोड में यूज़ कर सकते हो, सेकंड टैबलेट मोड में यूज़ कर सकते हो आराम से, और थर्ड जो है टेंट मोड में यूज़ कर सकते हो, तो फोर्थ जो हम नॉर्मली लैपटॉप जो यूज़ करते हैं उस लैपटॉप में आप यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप का अगर पोर्ट की बात करें तो एक साइड आपको HDMI 1.4 वाला जैक देखने को मिल जाएगा, दो इंटरनल के थंडरबोल्ट 4.0 देखने को मिल जाएंगे। और इस साइड का पोर्ट की बात करें तो इधर एक आपको USB 3.2 जैन का टाइप ए पोर्ट देखने को मिल जाएगा, SD कार्ड रीडर, एक यूनिवर्सल ऑडियो जैक। आपको सेम वही बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और बैकलाइट कीबोर्ड आपको इसमें मिल रही है। तो मैं आपको एक बार लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बता देता हूँ, क्या कॉन्फ़िगरेशन इसमें आने वाला है। तो इस लैपटॉप में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, i3, i5 एंड i7 देखने को मिल जाता है। मेरे पास जो लैपटॉप है वो i5 13 जनरेशन। इसके अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो ये 1335U प्रोसेसर है। इसमें आपको 10 कोर देखने को मिल जाएंगे, 12 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ इसकी अगर मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी में आपको 16GB रैम देखने को मिल जाएगी, ऑनबोर्ड रैम आएगी LPDDR5 इसकी रैम है, तो रैम का स्पीड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको स्टोरेज जो मिलने वाला है 512GB SSD देखने को मिल जाएगी, NVMe पिक्सल SN7420 की M.2 मतलब।
तो स्टोरेज ऑप्शन आपको अच्छा मिलने वाला है। वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई में आपको 6G देखने को मिल जाएगा, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इजिली आपको जल्दी कनेक्शन हो जाएगा और आप नेट सर्विंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी अगर हम ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक जो आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें ग्राफिक जो आ रहा है इंटेल i3 ग्राफिक आ रहा है, तीनों ब्रांड में सेम है, i3 i5 i7 तीनों सेम में आपको ग्राफिक देखने में मिल जाएगा। तो लैपटॉप ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो बहुत ही अच्छा है। बाकी इसका जो 7420 जो आता था उसमें आपको DDR4 रैम देखने को मिलती थी, इसमें आपको LPDDR5 मिल रही है। तो लैपटॉप में आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा 1080 पिक्सल कैमरे के साथ देखने को मिलेगा, इसमें आपको कैमरा शटर देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी के लिए, तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लैपटॉप के अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 14 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 1920x1200 का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा और 16Hz का रिफ्रेश रेट है, आई थिंक 120Hz तो होना चाहिए था। WVA का पैनल के साथ आएगा, टच के साथ आ रहा है और 16:10 आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और 250Nits की ब्राइटनेस लेवल है कंफर्ट व्यू डिस्प्ले के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले ठीक है, आई थिंक बस थोड़ा सा हर्ट्स अगर ज़्यादा होता तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा मिलता। तो लैपटॉप के साथ जो पेन आने वाला है उसका मॉडल नंबर N5122 है और नो पेनिंग रिक्वायर्ड, आप हाइक सेल से चला सकते हो। तो इसमें आपको 2-3 नॉक्स मिल जाएंगे, आप कभी आपका एक नॉक टूट जाता आप इजीली यूज़ कर सकते हो दूसरा नॉक भी, और इसको आप इजीली अपने लैपटॉप पर डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से फंक्शन सेट कर सकते हो।